इतना सारा परवल जो है छिला गया है। ये देवघर का एक स्पेशल तरीके का बनाने का तरीका है, बनाने का एक स्पेशल तरीका है, एक स्पेशल सब्जी बनाने का तरीका है, करेक्टेड बाय हमर कन्या। हाँ। बहुत ही मजेदार बनता है ये, छाती टाइप का, क्या लावा छाती जो मिलता है उसी टाइप का बनता है। और इसका जो बिया निकाल के बाहर फेंक दिया गया है, बिया का यूज नहीं होगा, लेकिन मेरी माता श्री जो है इसका भी यूज कर लेगी। बिया परवल कुच्चा का, हरा परवल पर नहीं है, सफेद परवल जो मिलता है ऐसा वाला, उसी का बनता है, उसका भी बनता है, उसमें बड़ी पिच्चा रहता है, उसका भी बनता है। इधर पपीता आके रखा हुआ है, बैंगन मुरो पपीता, हम क्या बोले, ये बीज का भी जो उपयोग होगा, आम के आम के आम, कि हमको ये बिच्चा फट फट खाने में अच्छा लगता है। एक साथ ऐसे ऐसे कट रहा है एकदम महीन महीन, बैंगन और मुरो कट के अलग आइटम है। इधर जो है परवल का बिया अभी चला गया है, इधर बैंगन मुरो, और ये एकदम झुंझान हो रहा है, एक नंबर हम हरा मिर्च नॉन के साथ जो मसाला आएगा चावल में, क्या बताए भाई साहब। आइसक्रीम नहीं है, इससे अंधा नमक है, डब्बा का हम लोग यूज कर लेते हैं, टेंशन नहीं है। एक तो बच गया था, इसको तोड़ दिए पट पट। कुच्चा तैयार हो रहा है एकदम, तेल में एकदम जगा जग मिजाज। और इधर जो है आम के आम गुठलियों के दाम जो बताए थे, ये बिच्चा बिच्चा, ये मेरी माँ माता जी का जो है स्पेशलिस्ट, ये कुच्चा है, ये कुच्चा है। इधर मूली और बैंगन तैयार है, इधर झींगा तैयार है, इतना आइटम हो जाता है भाई साहब। करेला भी बनेगा, बाबा रे बाबा, माँ कल चली जाएगी गाँव, करेली काट दिए, अब रात सिझुआ तरकारी बना देंगे, नहीं तो सभी बर्बाद कर देगी, चली जाएगी गांव, तो इसीलिए बोली कि हम सब करके जाएंगे, नहीं बर्बाद कर देगी, फेंका जाएगा। दो कड़ाही कर दिए, जल्दी हो जाएगा, खाने वाला तैयार हो जाए, जल्दी नहा नहा के तब ना। और ये आ गया है भोजन, ये है बैंगन मुरो, ये है आपको वही झींगा, ये है करेला, और ये है परवल का कुच्चा, ये है पराठा, और ये चावल और दही, परवल का बिच्चा रात में खा लेंगे, अच्छा थोड़ा सा दे दो। बीज आम के आम गुठलियों के दाम, परवल को एकदम बढ़िया से सान लिए हैं, और इसको एकदम मचोड़ देना है बढ़िया से, जो आनंद आएगा एकदम, मशरूम का बाबूजी। चीयर्स।